चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया हमारे पड़ोसी मुल्क ने। अगर मैं बात करूँ हमारे स्पेस एजेंसी का नाम पता क्या, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम आगे या फिर इंडिया आगे? टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान आगे है। आप क्या कहना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम आगे या इंडिया से? बात यह है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती जिसको आप बुनियाद बना के आप अपने मुल्क को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। बात मैं नीचा नहीं दिखा रहा, मैं फैक्ट पे बात करूंगा। आपने मेरे साथ फैक्ट पे बात करनी थी। चंद्रयान मिशन जिस तरह से उन्होंने लॉन्च किया, पूरी दुनिया का उनका मुकाबला रशिया के साथ है, चाइना के साथ है, अमेरिका के साथ है। आजाद हमने अलग हुए हैं ना इंडिया से, तो आज हम अलग हुए हैं तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी आगे जाना चाहिए। This video has been made to show the truth in which we have given our full research and time so that with complete facts and proof the youth of the country get knowledge and the real truth can be known. Sir, मैं आपसे पूछता हूँ, चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया हमारे पड़ोसी मुल्क ने, अगर मैं बात करूँ हमारे स्पेस एजेंसी का नाम पता क्या? देखिए ऐसी बातें जो भी की जाती हैं उस पर हमारे लोगों पर पाबंदियाँ होती हैं, आयद कर देती हैं। ये बातें यहाँ पर क्यों हो रही हैं, ये उधर क्यों फैल रही हैं, ये मामला जो है हम लोगों के उन्होंने ये देखें, इस्लाम के इस्लाम और मुसलमानों के से कोई भी आगे नहीं है। वो भी कुरान से ले कुरान को सीखते हैं, जहाँ भी मगरब के अंदर चले जाएँ हज़रत उमर फ़ारूक का कानून जो है वो लागू है, उस पर वो जो है अपने तमाम मामला जो हल। यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम आगे या फिर इंडिया आगे? टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान आगे है। आप क्या कहना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम आगे या इंडिया? टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया आ गया, लेकिन बात यह है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती जिसको आप बुनियाद बना के आप अपने मुल्क को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। बात मैं नीचा नहीं दिखा रहा, मैं फैक्ट पे बात करूंगा। आपने मेरे साथ फैक्ट पे बात करनी थी। फैक्ट से मैं बात करता हूँ, आप कह रहे सवाल कह रहे, मैं आपसे बात करूँ। क्या लगता है कि आपको स्पेस एजेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, अपने बच्चों को तालीम देना, स्पेस एजेंसी के बारे में बताना कि भाई चंद्रयान मिशन जिस तरह से उन्होंने लॉन्च किया, पूरी दुनिया का उनका मुकाबला रशिया के साथ है, चाइना के साथ है, अमेरिका के साथ है। आजाद हमने अलग हुए हैं ना इंडिया से, तो आज हम अलग हुए हैं तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी आगे जाना चाहिए, हमें एजुकेशन से भी आगे जाना चाहिए। क्या हम किस लिहाज से उनसे आगे जा रहे हैं? देखिए बात यह है कि आगे जाने की हम बात कर रहे हैं, आगे लेके किसने जाना है? हर डिपार्टमेंट का अपना एक रोल है, ठीक है। आर्मी का काम है सिक्योरिटी देना, ठीक है। मदारस का काम है दीन की तालीम को फैलाना, ठीक है। ये स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले देखें यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या चल रहा है, ये सवाल तो आप उनके उनसे करना बनता है आपका, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी के आप बात हर डिपार्टमेंट की बात होगी। अगर आप सिक्योरिटी की बात करेंगे, सिक्योरिटी का जवाब आपको आर्मी देगी, ऐसे ही है, ठीक है। जब बात जो जो डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट का काम है उससे बात करें, ये सिंपल सी बात है। गलत बोल रहे हो आप, आगे ले जाना इनका काम नहीं है, आगे ले जाना आपका काम है, आगे ले जाना पाकिस्तान की 22 करोड़ जनता का काम है। आप हमें ही देख लीजिए ना, इंडिया जो अभी तरक्की पे है उसका योगदान सरकार को ही नहीं, इंडिया की हर एक अवाम को जाता है जिसने आगे बढ़ के तरक्की में हाथ दिया। तो ये बोल के पल्ला मत झाड़ो अपना कि सरकार ने कुछ नहीं किया, आपको खुद को योगदान देना चाहिए था, तब जाके तरक्की होती है। देश जो है अवाम से आगे बढ़ता है, ना कि सरकार से। अवाम है तो सरकार है और अवाम है तो तरक्की है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।